गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:30 और मेरे उठने का समय हो गया है। अभी हम उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज मनाएंगे अपना बर्थडे, देखते हैं किस तरह से मनाना होगा। आज थोड़ा पूजा पाठ करेंगे हल्की फुल्की और फिर जाएंगे मार्केट की तरफ, कुछ काम है वो भी निपटा लेंगे। और बाकी चलिए देखते हैं, मुझे पूजा घर आपको ले जाऊंगा मैं। तो चलिए पहले नहाना धोना सब कर लेते हैं। मेरा स्नान ध्यान हो चुका है, अब जाऊंगा मैं अपने पूजा घर में। और उसके लिए पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पूजा करने के लिए मुझे और ड्रेस लगानी पड़ती है। तो चलिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल पूजा करने के लिए। और कुछ इस तरह का मेरा ड्रेसअप है, आप देख सकते हैं। नीचे धोती लगी है और यहाँ पर ऊनी जैकेट और सिर पर हमारी ट्रेडिशनल टोपी जो लगाना ज़रूरी होता है। तो अब सीधा चलते हैं अपने पूजा घर की ओर। हमारा जो पूजा घर है वो है हमारी छत पे, हमारी लेंटर पे। इस तरह का छोटा सा हमने मंदिर बनाया है। चलिए चलते हैं अंदर। जय हो माँ तारा। तो हमारी कुल देवी माँ तारा। चिड़ियों को थोड़ा दाना देने के बाद चलते हैं, पूजा शुरू करते हैं। तो मौसम के बारे में तो आप देख ही रहे होंगे, आज मौसम कुछ ख़राब सा है। मुझे नहीं लगता कि आज धूप आएगी, ठंड भी काफ़ी है सुबह से और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चली है, जिसका मतलब साफ होता है कि शायद बारिश या बर्फ पड़ सकती है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरा गांव। तो दोस्तों, पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और नवग्रह की जो पूजा होती है जन्मदिन में हमारे,
तो वो भी हो चुकी है। अब बस मुझे ड्रेस चेंज करनी है, खाना खाने के बाद हम निकल पड़ेंगे अपना वही रोज का छोटा मोटा काम करने के लिए। निकल जाएंगे हम घर से, या मार्केट या खेत। वैसे खेत तो आज जाना नहीं हो सकता क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, और हमारे खेत हाइट में है, काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है बागीचे में, तो बगीचे तो आज नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं क्या करना है, या तो मार्केट जाएंगे या तो फिर घर में रह के रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। बेटा पूछा, दूध की बोतल आ गई है, चलिए इसे उबालते हैं। ये कल का दूध है और वो आज का दूध उबल रहा है। घर में अकेला हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा दूध बच गया है, मैं पी पी के थक गया हूँ लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। दोस्तों आज इतना अच्छा दिन है, एक तो मेरा जन्मदिन है, ऊपर से क्या बताऊँ, चलिए बाहर जाके देखते हैं। और ये देखिए क्या हो रहा है बाहर, जिस चीज़ का हमें दिनों से इंतज़ार था वो आखिरकार हो रहा है। और यहाँ पे मनाली में हमारे गांव में स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो ये अमेजिंग सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा अभी, जो मेरी छत से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, और ये पूरे गांव का नज़ारा है दोस्तों। और आज तो भगवान ने भी मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया है क्योंकि बहुत दिनों से सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, बारिश हो, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा हो गया था, तो आज फाइनली लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बर्फ़बारी में, वरना आमतौर पर ऐसा होता था कि बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, हम लोग अंदर तंदूर के पास बैठे होते थे कमरे में, तंदूर सेक रहे होते, पर आज मन कर रहा है कि यहीं पर बैठें, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और वो वाला एरिया जल्दी सफ़ेद होने वाला है, चलिए अब थोड़ी देर अंदर चलते हैं और फिर मैं शाम को आपको दिखाता हूँ कि कितनी बारिश, कितनी बर्फ पड़ी है और क्या क्या स्थिति, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पे मनाली में। दिन के बज गए हैं एक, बाहर हो रही है स्नोफॉल और मैं जा रहा हूँ सोहेलधार, यानी कि अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं थोड़ी नींद पूरी कर लूँ अपनी, नींद आ रही है। वेलकम बैक। तो दोस्तों सारी थकान मिट चुकी है, थकान तो पहले कुछ मौसम अलग था और अब बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी,
वो रही स्नो लाइन दोस्तों, इससे नीचे बर्फ नहीं आई। ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई, काफ़ी अच्छी तरह से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन लगता है थोड़ी देर में ही ये बारिश शुरू हो गई, तो जो ज़मीन पे बर्फ टिकी हुई थी वो भी पिघल गई सारी, बह गई बारिश के साथ। तो मेरा पूजा पाठ दोस्तों हो चुका है, मैं सिर्फ बहुत आर्यांश दोस्तों, सारी थकान मिट चुकी है। थकान जिस चीज़ का हमें इतने सालों इतने दिनों से इंतज़ार, इस नाम के रूम दो बत्ती।